गाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जियोग्राफी मेड इजी। तो आज हम सीखेंगे ब्रेकिंग पॉइंट एनालिसिस। ये प्रैक्टिकल स्पेशली ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। NTUGC नेट जो हमारे साथियों जो एस्पिरेंट्स है जो देने जा रहे हैं नेक्स्ट जो UGC नेट होगा, नेट GRF का जो एग्ज़ाम है जो फेलोशिप के लिए रिसर्च के लिए मतलब एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में देखा गया है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आने मतलब आने का प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत सारे हमारे मित्रों को प्रॉब्लम होता है, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए आइए देखते हैं ब्रेकिंग पॉइंट एनालिसिस क्या है। और मैंने एक क्वेश्चन भी ले लिया है UGC नेट का प्रीवियस ईयर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर कमिंग और व्हिच हैव ऑलरेडी कम। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रैली नाम को याद रखिएगा, रेलीज लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन 1949 में एक थ्योरी उन्होंने दिया था, उसके ऊपर बेस करके एक थ्योरी दिया गया था पी कॉन्वर्स के द्वारा। तो पी कॉन्वर्स जो थे उन्होंने ये मॉडिफाई किया था ये लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन को। तो उसके जो मॉडिफिकेशन था वो मॉडिफिकेशन को ही हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर दिस कैलकुलेशन इज DJK इक्वल टू DIJ बाई P1 प्लस PI रूट ओवर एंड देन डिवाइडेड बाई रूट ओवर PJ। नाउ दिस सेम फॉर्मूला कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो DJK है उसका मतलब डी का मतलब तो ब्रेकिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे आई और जो जे है, ये आई और जे ये है टू सिटीज़ एंड डी का मतलब है डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सिटीज़, दो सिटी दिया हुआ होगा वो दो सिटी के डिस्टेंस के ऊपर बेस करके हमें उनका ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है। तो ब्रेकिंग पॉइंट अच्छा ये देख लेते हैं। उसके बाद K है ब्रेकिंग पॉइंट्स बिटवीन टू सिटीज़ जो K है, एंड देन DJK दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम J फ्रॉम द ब्रेकिंग पॉइंट K, डिस्टेंस फ्रॉम J फ्रॉम द ब्रेकिंग पॉइंट K, एंड देन DIJ दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन I एंड J सिटीज़। तो ये हम लोग देख सकते हैं ये डिस्टेंस है I और J सिटी का, और ये जो है पहले वाला ये है पॉपुलेशन, P फॉर पॉपुलेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है शायद, P फॉर पॉपुलेशन बोथ I एंड J सिटीज़। तो देखिए ब्रेकिंग पॉइंट एनालिसिस में क्या होता है, एक अगर एक मार्केट एरिया है तो उस मार्केट एरिया का कितना मतलब वो एरिया को सर्व करेगा ये हम लोग इकोनॉमिक जियोग्राफी में डिटरमाइन करते हैं। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके मदद से हम लोग मार्केट एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, और एक सिटी का स्पेशली अर्बन जियोग्राफी में जो सिटीज़ होता है उसका सिटी का कितना एरिया वो सर्व कर रहा है, उसका रीजन है सिटी रीजन है, उसको भी हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट की मदद से यूज़ कर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग पॉइंट में क्या चाहिए, तो पॉपुलेशन चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ चाहिए, मतलब DIJ चाहिए और PIPJ चाहिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टू टाउन्स विद पॉपुलेशन 16,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली आर लोकेटेड 15 किलोमीटर अपार्ट, 15 किलोमीटर डिस्टेंस में है दो सिटी और ये दोनों का जो पॉपुलेशन है एक का है 16,000 और एक का है 4,000। द ब्रेकिंग पॉइंट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम स्मॉलर सिटी, यहाँ पे मेंशन किया है कि ब्रेकिंग पॉइंट जो होगा वो 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्मॉलर सिटी अगर होगा तो आप कैसे ब्रेकिंग पॉइंट को वो ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है ना। मतलब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, आप सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका ये जो मार्केट है आपके लोकेलिटी में ये इतना किलोमीटर तक वो डिस्टेंस सर्व करता है। उसके बाद आप जब ये पेन पेपर लेंगे तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकली। देखिए फार्मूला मैं यहाँ पे पहले तो बता चुका था एक फार्मूला, लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है एक्चुअली, ये मॉडिफाइड है, ये तो डायरेक्ट वो जितना जो फार्मूला मिला था हमारे रैली का उसको ही पी कॉन्वर्स ने चेंज किया है। तो पी कॉन्वर्स का जो फार्मूला है यहाँ पे वो है दो फार्मूला। अभी दो फार्मूला क्यों, अगर सीटी हमारा दो है तो ऐसा तो हो सकता है कि CT1 का ब्रेकिंग पॉइंट हमें निकालना हो, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला ज़रूरत है, और CT2 का अगर निकालने के लिए बोले
तो दूसरा फॉर्मूला है। देखिए दोनों सिटी में से एक सिटी का तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा और एक का कम होगा, तो यहाँ पे क्या बोला है थोड़ा सा देख लीजिए। जब व्हेन क्वेश्चन आस्क टू प्लॉट द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर सिटी वन देन यूज़ फार्मूला टू, ये फार्मूला को यूज़ करना है। अगर सिटी टू जो होगा मतलब जिसका पॉपुलेशन मतलब कम होगा, अगर उसका हमें ब्रेकिंग पॉइंट निकलना है तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। सेम है दोनों ही, डिफरेंस यही है खाली पी जे बाई पी आई है यहाँ पे और यहाँ पे बी आई बाई पी जे, मतलब बड़ा सिटी का पॉपुलेशन ऊपर छोटा से सिटी का पॉपुलेशन नीचे होगा रूट ओवर में। तो ये जो केस है ये हम करते हैं जब हमें बोलेगा ब्रेकिंग पॉइंट फॉर सिटी टू सिटी वन, जब सिटी वन के लिए बोलेगा, मतलब सिटी वन मतलब पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा है। और अगर पॉपुलेशन ब्रेक यहाँ पे बोला है व्हेन क्वेश्चन आस्क टू प्लॉट द ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम सिटी टू यूज़ फार्मूला वन, जब सिटी टू मतलब लेस पॉपुलेशन जो होगा उससे अगर कैलकुलेट करने को बोले तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है पॉपुलेशन मतलब ये पी आई बाई पी जे। देखिए यहाँ पे डी आई जे, यहाँ पे भी डी आई जे, वन प्लस रूट ओवर पी आई बाई पी जे, यहाँ पे वन प्लस रूट ओवर पी जे बाई पी आई, जस्ट ऑपोजिट। तो ये एक क्वेश्चन था यूजीसी नेट का, आप देख सकते हैं कि टू टाउन्स ऑफ पॉपुलेशन 40,000, ये पॉप था टाउन वन है और पॉपुलेशन 5,000 रिस्पेक्टिवली आर लोकेटेड 18 किलोमीटर अवे, एट व्हाट डिस्टेंस द ब्रेकिंग पॉइंट विल लाई फ्रॉम स्मॉलर टाउन। तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया गया है कि स्मॉलर टाउन से ब्रेकिंग पॉइंट कितना डिस्टेंस में होगा। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करना होता है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। पहले देख लेते हैं फॉर्मूला कौन सा सिलेक्ट करना है। तो छोटा सिटी जो है उससे पॉपुलेशन को निकालने के लिए बोला है, तो जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा ये वाला, मतलब छोटा सिटी का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा ये वाला 2 नंबर वाला, ठीक है। अगर मतलब ऐसे मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ एक आपको सुविधा के लिए, ये आपको मतलब दिमाग में रखने का ज़रूरत नहीं है। पी जे बाई पी आई आप ये सिर्फ याद रखिए, जिस सिटी का भी फॉर्मूला मतलब जिस सिटी का भी ब्रेकिंग पॉइंट आपको निकालना है उस सिटी का जो पॉपुलेशन होगा ऑलवेज वो नीचे आएगा, वो आएगा डिनोमिनेटर में, अब ये याद रखिए। तो ऐसे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला जो है हमारा ऊपर आएगा हमारा डी आई जे और नीचे आएगा वन प्लस रूट ओवर से, फॉर एग्जांपल मैं पॉपुलेशन जो बिगर सिटी है उसका हमें जे ले रहा हूँ और स्मॉलर सिटी का आई ले रहा हूँ। तो हमारा ये अगर है तो हमारा जो आएगा यहाँ पे डी आई जे मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, ये तो 18 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाई वन प्लस रूट ओवर में हमारा पॉपुलेशन ऑफ द हाईएस्ट सिटी इज 40,000 और मैंने बोला था कि जिस सिटी से भी आपको जिस टाउन से भी आपको ब्रेकिंग पॉइंट को निकालना होगा उसका जो पॉपुलेशन होगा ऑलवेज नीचे आएगा। अगर ये मतलब लार्जेस्ट टाउन होता या बिगर टाउन होता तो हम 40,000 को नीचे लिखते, लेकिन ये स्मॉलर टाउन से है तो 5,000 को हम लोग नीचे लिखते हैं। सो ये तो ये चला गया, सो ये आ गया हमारा 18 वन प्लस रूट ओवर यहाँ पे 8। अभी देखिए आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं तो ये तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे जो रूट ओवर 8 दिया हुआ है इसका रूट ओवर कैसे निकाले, क्योंकि विल नॉट हैव द कैलकुलेटर इन द एग्जाम, एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं होगा तो कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आंसर, फिर आपको मैं ये भी निकालना सिखा दूंगा कि रूट ओवर को कैसे निकालते हैं। सो ऊपर 18 रहा, सो पहले ये रूट 8 ये वैल्यू आ गया मेरा, इसके साथ एक ऐड कर देना है ये आ गया 3.828। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18 बाई 3 पॉइंट, डेसिमल के बाद दो ले लेते हैं दो घर, सो 8 2 है तो 3 होगा। सो ये अगर डिवाइड कर दें हम 18
डिवाइडेड बाई 3.83, हमारा आ रहा है 4.69, तो 4.70 ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है। तो अब जब स्केल में कैलकुलेट करेंगे ये किलोमीटर में आएगा, तो स्मॉलर जो सिटी है वहाँ से टोटल तो हमारे 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है रोड सिटी में, तो स्मॉलर जो टाउन है, स्मॉलर जो टाउन है उससे हमारा ये स्मॉलर टाउन है इससे हमारा 4.80 तक 70 तक हमारा जो रेडियस होगा उसको लेके हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसका ये ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। और ये इस पॉइंट से जो रेस्ट पॉइंट तक जो है इसका अगर एक सर्कल हम लोग बना लेंगे तो ये बड़े टाउन का ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एक टाउन को कैलकुलेट करने के बाद हम दूसरे टाउन का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग डिफरेंट टाउन्स का ब्रेकिंग पॉइंट, थ्रेशोल्ड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज ऑफ गुड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उतना ज़्यादा तो डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है नेट में, तो अगर आप नेट एस्पिरेंट हो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और ऐसे भी प्रैक्टिकल्स में ये भी इम्पॉर्टेंट है प्लॉटिंग में। तो अभी 8 को कैसे मतलब विदाउट कैलकुलेटर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं उसका जो रूट फॉर्म है स्क्वायर रूट। सो आपको सिंपली 8 को ऐसे लिखना है। हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था, दो मेथड थे, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसका रूट का निकल सकते हैं। सो यहाँ पे 8 है, तो आपको ऐसे डिजिट यहाँ पे लेना है जिससे ये उसका मल्टीप्लीकेशन करने से ये संख्या मतलब ये डिजिट आ जाए, और लेकिन और इससे कम आए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 2 + 2 2 × 2 4, 3 × 3 9, तो 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी 8 है, तो 2 ले रहा हूँ, तो 2 × 4 गैप लेने से कितना रहा है 4। ओके, तो यहाँ पे 2 का डबल लेना है 4, और यहाँ पे पॉइंट के बाद हमें डिजिट चाहिए, तो जितना ज़्यादा डिजिट चाहिए एक पेयर करके हमें 2020 करके लेना होता है। यही इसका फॉर्मूला है, लॉन्ग मतलब कैलकुलेशन का प्रोसीड्योर है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो यहाँ पे 20 हम लोग नीचे ले लेते हैं, 400 आ गया। आपको अभी यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लाना है जिससे ये 400 को डिवाइड किया जा सकता है और नियरेस्ट आ जाए। ऐसा डिजिट होगा जिस डिजिट को आप यहाँ पे बैठाएंगे उसी डिजिट से आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा। सपोज यहाँ पे अगर 2 लिख के आपको निकालना है तो यहाँ नीचे भी 2 लिखना होगा, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। सो आपको ये उससे भी ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक 8, देन 8 × 8 = 4, 6। सो ये हमारा आ रहा है 8 लेने से, अगर 9 ले तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा शायद, देख लेते हैं, 400 से भी ज़्यादा होगा ना। सो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये एक्सिट कर रहा है, तो यही ठीक है। तो अगर 8 यहाँ पर लिखते तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3834, और ये 8 आपको यहाँ पे भी लिखना है। अब इसको गैप को निकाल देना है, और ये पॉइंट यहाँ पे था एक के बाद, सो जो रिज़ल्ट है वहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा। यहाँ पे हमारा 6 1 16, और दो डिजिट हम ले सकते हैं यहाँ पे, और दो जो है दो ले लेंगे क्योंकि हमें और एक डिजिट चाहिए। तो ये 4 आएगा, 8 का डबल आ जाएगा, मतलब और एक 8 आपको ऐड करना है जो भी डिजिट होगा उसको। यहाँ पे 2 था, 2 से और 2 ऐड करके 4 आया, 4 के बाद 8 आया, तो अब 8 के साथ और 8 ऐड करने से 56 हो जाएगा। यहाँ पे 56 के साथ आपको एक और डिजिट लाना है ऐसा जिससे ये सेम फार्मूला में डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं 56 के साथ 6 देख लूँ तो 336 आ रहा है, 6 के साथ 56 के साथ अगर 3 ले लूँ, सो 1689 ज़्यादा हो रहा है। 56 अगर 2 हो, हाँ तो ये अगर 2 से जाएगा ना तो हो जाएगा, 2 से अगर देंगे
तो हमारा आएगा 1124, ये आप कर सकते हैं। सो सिक्स एंड यहाँ पर सेवन, यहाँ पर फाइव, और यहाँ पे थ्री आपको यहाँ पे भी लिखना है, सॉरी टू, टू आपको यहाँ पे भी लिखना है। सो 2.82, ठीक है, 2.82 आ गया। अगर इसका रूट 2.82 है तो उसके साथ एक ऐड करने पर 3.82 आएगा। तो देखिए हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया तो हमारा 3.82 आया, और मैंने कैलकुलेटर से किया तो उससे एडिशन हो गया, मतलब डेसिमल के बाद दो डिजिट तक, तो 2.83 आ गया, मतलब सेम ही आंसर आता है। सो आप ये लॉन्ग डिविजन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया लॉन्ग डिविजन मेथड मुझे बोलना, मैं आपको दिखा दूंगा एक डिफाइंड वीडियो में। तो यही था वीडियो, कैसे ब्रेकिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। और आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं ऐसी ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में ज्योग्राफी के रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।